Good morning, students. Today we will study class 3rd, maths lesson 5, subtraction activity 8. आज हम activity 8 जो है lesson 5 की class 3rd maths में वो study करने जा रहे हैं. Start करते हैं subtract by rearranging. यानी जो number दिए हुए हैं उनको rearrange करते हुए हमें subtraction करना है. तो फर्स्ट नंबर है 48 माइनस 27, तो इसे हमें डायरेक्ट माइनस नहीं करना है बल्कि रीअरेंज करते हुए इनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 48 में से माइनस करना है 27 को, तो जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी जो स्मॉलर नंबर है 27 उसे हम लिखेंगे नाउ 27 इज इक्वल टू 20 प्लस 7, यानी 20 प्लस 7 को हम 20 प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं. ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्मॉलर नंबर को ही ऐसा करना है. तो 27 के टू पार्ट हो गए 20 प्लस 7. अब जो ग्रेटर नंबर था 48, इसमें से वन टाइम 20 माइनस कीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 7 माइनस कीजिए. यानी 27 माइनस करना था, 27 के टू पार्ट हो गए 20 एंड 7, तो 20 और 7 को माइनस करना है. तो 48 में से पहले माइनस कीजिए 20, तो 48 में से 20 माइनस किया तो आंसर आया 28. अब 28 को यहाँ ले आए और सेकंड जो पार्ट था वो था 7, तो 28 में से 7 माइनस किए तो आंसर आया 21. तो हमारा आंसर 21 है, तो इसको हम ऊपर वाला सेम 48 माइनस 27 लिख कर आंसर लिख देंगे 21. ये हमारा आंसर होगा. इसी वे में सेकंड है 197 माइनस 38. 197 में से 38 माइनस करना है, तो स्मॉलर नंबर 38 है तो 38 के टू पार्ट बना लेंगे. नाउ 38 इज इक्वल टू 30 प्लस 8. ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे 38 को 30 प्लस 8 में ही कन्वर्ट करना है. 30 से कितना ग्रेटर है 8, तो 30 प्लस 8. अब जो ग्रेटर नंबर था 197, उसमें से पहले इस फर्स्ट पार्ट को 30 को माइनस करेंगे, तो 30 माइनस करने पे आंसर आया इक्वल में 167. अब 167 को यहाँ पे लाना है और उसमें से माइनस करना है सेकंड पार्ट 8, यानी वन टाइम 30 माइनस करना है और सेकंड टाइम 8 माइनस करना है. तो 167 में से 8 माइनस किया 159, तो हमारा आंसर हुआ 159. तो ऊपर वाला सेम 197 माइनस 38 लिखकर आंसर लिख दीजिए 159. ये हमारा आंसर हो गया. तो इस वे में रीअरेंज करते हुए, ये एक न्यू मेथड है, इस मेथड से आप थोड़ा सा केयरफुली करें इसको और आप आराम से कर सकते हैं. थर्ड है 71 माइनस 43. 71 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो स्मॉलर नंबर हुआ 43, तो सबसे पहले नाउ 43 इज इक्वल टू 40 प्लस 3, यानी 40 के 3 के टू पार्ट बना लिए 40 प्लस 3. अब 71 में से पहले 40 को माइनस कीजिए, तो 71 माइनस 40 इज इक्वल टू 31 आया. अब इस 31 को यहाँ लाइए और सेकेंड पार्ट जो 3 था उसे माइनस कीजिए 31 में से, 31 माइनस 3, तो आंसर हुआ 28. तो 71 माइनस 43 इज इक्वल टू 28. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट 4 है 214 माइनस 38. तो स्मॉलर नंबर 38 है, तो 38 के टू पार्ट बना लिए 30 प्लस 8. स्मॉलर नंबर के ही पार्ट बना लिए 30 प्लस 8. अब 214 में से पहले 30 माइनस कीजिए, फिर जो आंसर है उसमें से सेकंड पार्ट 8 माइनस कीजिए, तो 214 माइनस 30, 30 माइनस करने पे आंसर आया 184. अब 184 को यहाँ लाइए और सेकंड पार्ट माइनस कर दीजिए 8 माइनस 8, तो आंसर आया 176. तो 214 माइनस 38 इज इक्वल टू 176. ये हमारा आंसर हो गया. फाइव नंबर जो है सेम इसी वे में फाइव नंबर हो जाएगा 397 माइनस 155. 397 में से 155 को माइनस करना है, तो स्मॉलर नंबर 155 है, तो नाउ 155 इज इक्वल टू 150 प्लस 5. तो 397 में से माइनस कर देंगे 150 को, तो आंसर आएगा 247. अब 247 को यहाँ लाइए और उसमें से माइनस कर दीजिए 5, तो 247 में से माइनस 5 करेंगे तो 244 हमारा आंसर होगा. तो सेम 397 माइनस 155 लिखेंगे और आंसर में लिख देंगे इक्वल में 242. 247 में से 5 माइनस करने पर 242 आंसर आएगा. 242. लास्ट एंड फाइनल जो है सिक्स वाला 434 माइनस 252. 434 में से 252 माइनस करना है, तो स्मॉलर नंबर हुआ 252, तो इसके टू पार्ट बना लिए 250 प्लस 2,
तो सबसे पहले 434 जो ग्रेटर नंबर था उसमें से फर्स्ट पार्ट 250 माइनस करेंगे तो 184 आंसर आएगा। अब इस 184 को यहाँ लिखें और उसमें से सेकंड पार्ट 2 माइनस करें तो 182 आंसर आएगा। तो 434 माइनस 252 इज इक्वल टू 182। तो इस वे में हम जो है वो इस एक्टिविटी को 8 को अपने नोटबुक में कर सकते हैं। ये रीअरेंजिंग मेथड है, रीअरेंज करते हुए डायरेक्ट इसमें माइनस करो नहीं कर सकते हम, रीअरेंज करना होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और फिर इस एक्टिविटी को इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।